आज का घोर कलयुग एक नए योग का भी युग हो सकता है। इसके बारे में 5000 वर्ष पहले भृगु मुनि ने नाड़ी ग्रंथ में भविष्यवाणी की थी कि सन 1970 में एक महान अवतरण आने वाला है, जिसके द्वारा एक बहुत सरल योग आएगा और सब साधक की साधना उससे पूरी हो जाएगी। श्री माता जी निर्मला देवी के जीवन को देखते हुए ये साबित होता है कि यही वो अवतरण है, और इनका जो सहज योग है इसी के बारे में भृगु मुनि ने बताया होगा। सन 1970 में श्री माता जी ने सहज योग का कार्य शुरू किया और अब ये सारे विश्व में फैल गया है। रशिया जैसे देश में हजारों की तादाद में सहज योगी बन गए हैं और जगह जगह ये फैलते चला जा रहा है। ये जो सहज योग है ये बिल्कुल सरल है, गृहस्थी में हर मनुष्य इसको कर सकता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते और घर छोड़ना नहीं पड़ता। ये जो नवीन योग आया है ये इसी घोर कलयुग के लिए आया है, जब इतनी कठिनाइयों के बीच में मानव एक आत्मदर्शन पा सकता है। यूं तो श्री माता जी एक गृहस्थी भी हैं और इनके बच्चे भी हैं, पर श्री माता जी को जानने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार पाना होगा, और जब हमारे हाथों में ये ठंडी ठंडी हवा आएगी तो हमें समझ आएगी कि श्री माता जी आप कौन हैं। आइए, जिस शक्ति से ये ठंडी हवा बह रही है उनको जानिएगा। परम पूज्य श्री माता जी, 20 दिसंबर को शिवाजी पार्क में सहज योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें 50,000 लोगों को एक ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी हाथों में और सर पे ठंडी ठंडी हवा आई, और बाद में उन्होंने बताया कि उनको बहुत शांति मिली और हल्कापन महसूस हुआ। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि तत्क्षण जन समूह 50,000 लोगों को ऐसा अनुभव हो। अध्यात्म के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, तो क्या ये कोई आपका चमत्कार था? साधारण तौर पे तो लोग इसको चमत्कार ही कहेंगे, लेकिन वैसे विशेष बात, क्योंकि ऐसा होने वाला है कलयुग में। इसका वर्णन हजारों वर्ष पहले भृगु अपनी किताब नाड़ी ग्रंथ में लिखा था कि हजारों लोगों की कुंडलिनी सहज में जागृत होगी, और यहाँ तक कि जब उन्होंने जो डेट्स दिए हैं उसको अगर आप पूरी तरह से अपनी डेट्स में उतारें तो वो 1970 साल से सहज योग शुरू होगा ऐसा लिखा है साफ। और उस के अनुसार वास्तविक 1970 साल से ये सहज योग शुरू हुआ। अब ऐसा है कि इस वक्त घोर कलयुग है और घोर कलयुग में ये घटित होने वाला है ऐसा उन्होंने भविष्य किया था, लेकिन उस भविष्य से भी बढ़ के बात मुझे तो ये लगती है कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा था कि सारे दुनिया में होगा। तो मैं देख रही हूँ कि हर जगह ये चीज घटित हो रही है, और ये चीज जरूर आश्चर्यजनक लगती है कि जिन लोगों ने कभी भगवान का भी नाम नहीं सुना, जो अपने संस्कृति से हमेशा वंचित रहे, ये लोग भी इतने आसानी से सहज को प्राप्त कर लेते इस दशा। इसका वर्णन तो अनेक लोगों ने किया है, यानी हमारे महाराष्ट्र में तो सब साधु संतों ने किया है, ज्ञानेश्वर जी ने किया है, और इसका वर्णन पंजाब में
गुरु नानक साहब ने, गुरु गोविंद साहब ने, उसी प्रकार कबीर ने तो खास खुल करके बात करी हुई है। लेकिन वो जो उन्होंने कविता में कहा है इसलिए लोग नहीं समझ पाते, और खास करके गुरु नानक साहब ने तो बताया हुआ कि ऐसा समय आए। इसी प्रकार कुरान में लिखा हुआ है कि कियामा का समय आएगा तब हजारों लोग इस प्रकार वली हो जाएंगे। फिर क्राइस्ट ने भी कहा है, क्योंकि जॉन का जो रेवलेशन है उसने लिखा है कि ऐसी घटना घटित हो। तब देखा जाए तो सब धर्मों की वजह से भी कोई मुझे आश्चर्य नहीं होता। श्री माता जी कृपया बताइए कि ये शक्ति कैसे रहती है। हमें पहले समझ लेना चाहिए कि जिसे हमें बनाया है उसे आप जिस भी नाम से पुकारिए, परमेश्वर के नाम से पुकारिए, उसने ये सारी व्यवस्था हमारे अंदर पहले से कर रखी। और मेडिकल में इसको कहना चाहिए कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जागृत हो जाती है, क्योंकि ये जो 7 चक्र बताए हैं मुख्यतः, ये 7 चक्र जो है वो हमारे अंदर जो प्लेक्सेस है उनको चलाते हैं, सिर्फ शरीर की ओर से, पर मन में, बुद्धि में, हर तरह से ये कार्यान्वित होते हैं। ये चक्र हमारे अंदर हैं, ये आप जान सकते हैं जब आप पूरी तरह से सहज में उस स्थिति में आ जाए। फिर आप अपने उंगलियों पर भी पहचान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब हैं और दूसरों के कौन से चक्र खराब हैं। अब बात यह है कि जो कुछ हिंदुस्तानी चीज है वो बेकार है और जो कुछ विलायती चीज है वही अच्छी है, उन्हीं का ज्ञान संपूर्ण है समझना बहुत गलत बात है, क्योंकि अब ये उन्होंने पाश्चिमात्य साइंटिस्ट ने कहा हुआ है कि IQ होने से चलेगा नहीं, EQ भी होना चाहिए, माने बैलेंस में इमोशनल कोएफिशिएंट्स भी होना चाहिए। तो ये सहयोग में माना जाता है कि आपके अंदर पहले संतुलन आना चाहिए और उसके बाद कुंडलिनी के जागरण से जो जो लाभ होते हैं वो होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। श्री माता जी, बहुत से लोग जो वहाँ आए थे उनको सहज योग के बारे में या अध्यात्मिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो क्या सबको ये चीज मिल सकती है? क्यों नहीं, ऐसे कौन से पाप किए मनुष्य ने और ऐसी कौन सी उनकी दुर्दशा है जो हम समझते हैं ऐसा हाल नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ, चाहे हिंदुस्तान में हो बाहर हो, ये चीज हम जो सोचते हैं पाप किया फलाना किया, एक ये कुछ तो भी अपने को सताने का तरीका है, दूसरा है दूसरों को सताने का तरीका। लेकिन अगर वास्तव में देखिए तो अंदर ये कुंडलिनी पूरी तरह से बनी हुई है। श्रीमती जी, वहाँ करीबन 1000 लोग देश से आए थे और उनमें से करीबन 200 लोग ऐसे भी थे जहाँ की ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसे लोगों को कैसे सहयोग में जानकारी हो जाती है? ईश्वर के बारे में तो किसी ने खास जाना ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो धर्म में एक आडंबर, और भी जगह धर्म एक आडंबर है, जैसे कैथोलिक लोग हैं या आप देख लीजिए और जो जाति के लोग हैं, मुसलमान हैं, ये सब आडंबर में इन्होंने क्या पाया है? कुछ नहीं पाया किसी ने भी। और ये जो रशियन लोग हैं ये बिल्कुल क्लीन प्लेट है, बिल्कुल साफ लोग हैं, ये अच्छा ही है, वो कुछ नहीं जानते थे, इसलिए मैं कभी कभी नास्तिक बेहतर है नास्तिकों से। बताया गया है कि 80-90 देशों से मैसेज जो फैल गया है और इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, तो ये फिर किस तरह कार्य होता है? 80-90 तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैंने कोई गिनती कभी करी नहीं, पर एक बात है कि शुरुआत में मैं ही अपना ही पैसा खर्च करके जाती थी नजदीक के देशों, थोड़ा बहुत पैसा था, हमारे तीने भी हमें पैसे दिए और हम जाते थे, हम ही हॉल वगैरह बुक कराते और कार्य करते शुरुआत। उसके बाद इन लोगों को शर्म आने लगी कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार देने आती है और हम उनके पैसे पे आत्म साक्षात्कार पाए तो ठीक। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद जिस देश में आप जाइएगा वहां हम ही लोग पैसे देंगे। तो सिर्फ सहयोगी लोग पैसा इकट्ठा करते, कहीं बाहर से पैसा इकट्ठा नहीं होता है। बहुत लोगों से ये पता चला है कि सहयोग के जरिए बहुत से रोग विनाश हो सकते हैं,
तो ये क्या सही बात है कि बिना किसी दवाई के ये सब कार्य हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इसी शक्ति के द्वारा, क्योंकि ये शक्ति वो है जो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की अनंत प्रेम की शक्ति है, उसी की एक प्रतिबिंब रूप अपने अंदर ये शक्ति है। और जब ये उसे एकाकारिता प्राप्त कर लेती तो जैसे कनेक्शन हो जाता है, योग घटित होता है, तब जितनी भी अनेक तरह की शक्तियां इसमें से अंदर प्रवाहित होती है वो इन चक्रों को ठीक कर देती है। क्योंकि ये चक्रों के बिगाड़ के कारण ही सारी बीमारियां, मानसिक तकलीफें और इतना ही नहीं बौद्धिक परेशानियां, जिसको अहंकार कहना चाहिए, और उससे आगे जो है आध्यात्मिक परेशानियां जो झूठे लोगों की वजह से आई हुई है, वो सब नष्ट होगी। क्योंकि कुंडलिनी जो है ये जब अपने स्थान से उठती है तो इन चक्रों से गुजरते हुए उनको प्रकाशित कर देती है और उनको प्लावित करती माने नरिश कर देती है और उनको बांध देती है, एक साथ समग्र कर देती है मनुष्य को। उसमें कोई परेशानी नहीं रह जाती कि उसकी बुद्धि एक बात सोच रही है, उसके हृदय दूसरे बात सोच रहा है, ऐसे नहीं। अनेक अनेक चीजें इससे मिलती है। सबसे बड़ी तो बात मैं सोचती हूँ ये है कि आपका जो चित्त है वो उस परमात्मा से संबंधित हो जाता है, वो आलोकित हो जाने की वजह से आप जहां भी चित्त अपना डालें वह कार्य हो जाता है। और क्योंकि ये बिल्कुल चित्त शांत हो जाता है, ये जगत की शांति की बात आप जो कर रहे हैं बाह्य से वो अंदर घटित होती है। ये जो शक्ति है, क्या इसके द्वारा हमारे देश में फूड इत्यादि का जो प्रॉब्लम है क्या वो हल हो सकता है? बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा असर आ सकता है, क्योंकि इस चैतन्य से ही सब चीज चढ़ती है। हम लोग तो सोचते भी नहीं कि ये पृथ्वी माँ कहाँ से इस तरह से अलग अलग के फूल, अलग अलग के फल ये बनाती है, हम लोग इसको सोचते भी नहीं है। हम लोग तो बस सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इसको तो आ रही पृथ्वी माँ ने देना ही चाहिए। किंतु जब ये चैतन्य लहरियां आप इस बीज पे डालिएगा या किसी वृक्ष पे डालिएगा या फूलों पे डालिएगा, तो मैंने देखा है कि 10 गुना ज्यादा उत्पन्न हो सकता है, 10 गुना ज्यादा। और बढ़िया चीज है, हमें लोगों ने कहा कि यहाँ बासमती नहीं हो सकता, हमने कहा अच्छा लाओ बासमती। बासमती को चैतन्य डाल करके दिया तो 10 गुना पैदा, इतना बड़ा बड़ा सूर्य का फूल निकला, इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला। वो कलेक्टर को दिखाया, पेपर में आ गया। हमारे जो सहयोगी है उनके घर आप जाके देखिए, उनके खेतों में जाके देखिए, तो उनके खेत हरे भरे हैं। इतना ही नहीं, उनके जो सब्जियां लगी है सब कुछ बिल्कुल फर्क। और फिर वो हाइब्रिड सीड नहीं लेते, नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड लेने में आप किसी भी हाइब्रिड सीड बनाने वाली कोई कंपनी होगी उसके गुलाम होगा, पर ये तो नॉन हाइब्रिड सीड। इतना ही नहीं, यहाँ की गायें उन पर जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो देखा कि वो विलायत की गांव गायों से कुछ कम दूध नहीं देती है, पर इनका दूध जो है वो एक बड़ा ही शुद्ध दूध है। जो बाहर की गायों का दूध पीते हैं तो बाहर की गायों पे भी प्रयोग किया गया तो देखा कि वो तो अन्य मनस्क है, उनको कुछ समझ में नहीं आती, बात अजीब सी होती है। अगर रास्ते से चल रही तो उनको इमली समय सामने से मोटर आ रहे, उनका बच्चा अगर मर जाए तो भी वो दूध देती रहती, उनको कोई किसी चीज की अंदर से भावना नहीं। मतलब ये है कि उनका EQ बिल्कुल जीरो होता और IQ भी जीरो होता। ऐसे लोग, ऐसे गायों का दूध पीने से हम लोग का भी वही दशा हो रही, क्या फायदा। तो ये सब चीजें बदल सकती हैं और ये दैवी जो चीज है इसका जो आशीर्वाद है इस देश के लिए विशेष रूप से मिल सकता है, क्योंकि ये देश योग भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए और उन्होंने अपना यहाँ खून बहाया, वो सब का पुण्य आज हमें मिलने वाला है। श्रीमान जी, आपकी कृपा से हमें पुण्य तो मिलने वाला है, पर देश की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए क्या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी ठीक हो सकते हैं इसके द्वारा? हाँ, अगर उनमें परिवर्तन होता, वो अगर सहज में आ जाए तो बिल्कुल हल है। और या तो ऐसे लोग जिनका परिवर्तन हो गया, जो इसमें जम गए हैं, उनको आप राजकारण में डालिए। मुझे राजकारण से कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं और न ही सहयोग को है, पर जो सहयोगी हो गए वो एक विशेष रूप के लोग हैं, उनको आप राजकारण में डालते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जो कार्य करेंगे वो एक अद्भुत
विशेष कदम, उनको देश प्रेम है, देश की आस्था है और सत्य के प्रति बिल्कुल वो जागरूक है। दूसरे बहुत अच्छे लोग हैं, वो सब अपने देश की समस्या को जानते हैं, बार बार मेरा चित्त खींचते हैं, माई इसको देखो, यहाँ पर बच्चों की दुर्दशा है, यहाँ पर औरतों की ये दुर्दशा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। जाति के अनुसार ये गलत बात है, इसी से सारी गड़बड़ जाति के अनुसार हो गई। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि जिनके पास गरीब हैं उनको देखा जाए, जैसे कि हैव नॉट जिसको कहते हैं, उनके तरफ नजर पहले होनी चाहिए। ये बेकार की जाति बना करके और देश को विभाजित कर दिया। उसी प्रकार गांधी जी का जो सेक्युलरिज्म था, जो गांधी जी सर्वधर्म समानत्व मानते थे, उसका तरीका और था। उनका कहना था कि सब लोगों को सारे ही धर्मों को मानना चाहिए और जैसे वो अपने यहाँ के लोगों को मानते हैं वैसे और जगह के जो बड़े बड़े लोग हो गए उनको मानना चाहिए। उनकी प्रार्थना अगर आप पढ़िए तो सारी कुंडलिनी पे ही लिखी गई है और उसमें ईसाइयों की भी प्रार्थना है और बुद्धों की प्रार्थना है, मुसलमानों की भी, कुरान से उन्होंने आयतें ली। तो वो कहते थे सारा आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एक धर्म को मानिए, सारे धर्म को मानिए और वही सहयोग में हो जाता है। कोई भी धर्म से आप आते हैं और फिर आप सारे ही धर्म मानने लगते हैं, असलियत में, नकलियत में नहीं, असलियत में आप मानने लग जाते हैं। ये जब हो जाएगा तो झगड़ा कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में स्वयं ही सामूहिकता आ जाती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब ये सामूहिकता आप में आ जाती है तो दूसरा कौन, आप किसे लड़ाई करेगा, जब सब लोग एक ही बात को जानते हैं। क्योंकि केवल सत्य को आप जानते हैं, ये नहीं अपने दिमाग से बनाया हुआ, केवल सत्य, एकमेव सत्य को जानने के बाद फिर आप लड़ाई क्यों करेंगे। सब एक ही चीज देख रहे हैं तो लड़ाई क्यों होगी, झगड़ा क्यों होगा। यूं सब खत्म होने का समय तो आ गया है, लेकिन लोगों को इसके लिए मान्यता होनी चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा कि वो लोग कह रहे नहीं नहीं हम एक धर्म नहीं मानते, हम विश्व का एक धर्म नहीं मानते, ये तो नहीं होना चाहिए, हमें अलग अलग धर्म चाहिए। क्योंकि लाइफ फिर कैसे, इसकी अगर जनसाधारण में जागृति आ जाए तो ये सब चीज बदलने की है। और जिसने ये सारी सृष्टि रची इस परमात्मा की, इस देन को भी सुनहरा करना है। क्योंकि वो तो कहते हैं कि सिर्फ मेरे साम्राज्य में तुम आओ, उनको आप कुछ नहीं चाहिए, तपस्या तपस्या की कोई बात ही मत करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर ये शक्ति है, ये सब कर चुके आप, ये खत्म हो गई, इस जन्म में करने की जरूरत है। श्रीमाता जी, बहुत लोगों का कहना है कि ये अंधश्रद्धा है। बहुतों का नहीं, थोड़े लोग, क्योंकि वो स्वयं अंधे हैं और अशास्त्रीय है, अनसाइंटिफिक है। किसी भी चीज के बारे में अगर आप कोई सी भी बात कहते हैं तो पहले उसकी खोज करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि ये चीज क्या है। ऐसे तो नहीं कि आपको हम 2 लाख रुपए देंगे अगर आप सिद्ध कर दें। हम तो कभी आपकी कुंडली जागृत ही नहीं कर सकते। अगर आप 2 लाख, क्या आप 1000 लाख दे दीजिए, उससे कुंडली तो जागृत नहीं होगी। आप पे अगर नम्रता है और आप अगर चाहते हैं तभी हो सकती। इस तरह की बातें करने से होगा क्या कि जो सत्य है वो लोगों से दूर हट जाए। ऐसे तो परमात्मा में विश्वास करना भी अंधश्रद्धा है, किसी भी चीज में देश पे प्रेम करना भी अंधश्रद्धा है। सब तरह की ये भावनाएं हमारे अंदर स्थित है, जैसे हमारे अंदर कुंडलिनी है उसी प्रकार देश के प्रति प्रेम, अपने माँ के प्रति प्रेम, अपने बाप के प्रति प्रेम, ये सब अपने अंदर धर्म है और इस धर्म के अनुसार ही मनुष्य कार्य करता है। हम अपने माँ बाप को इतना प्यार क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? एक श्रद्धा इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारे साथ कुछ किया है, भलाई करी है, इस सब में एक धर्म है। और उसी प्रकार देश का भी प्रेम करना, ये भी एक धर्म हमारे अंदर है। और सबसे बड़ा धर्म ये है कि हमें अपने को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार मिला, तो लोग इसके लिए आते हैं। आखिर मुझे ये कार्य करने की क्या जरूरत है? वैसे देखिए मुझे कोई किसी चीज की जरूरत तो है नहीं, भगवान की कृपा से मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, सब कुछ है। तो ये अंधश्रद्धा करके मुझे क्या मिला? मुझे कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है, मुझे ये करने से फायदा क्या है? ये इनको सोचना चाहिए कि 73 साल की उम्र में मैं दुनिया भर में घूमती फिरती हूँ तो ये करके तो फायदा क्या? कोई मुझे पैसा नहीं देता, कुछ नहीं देता, मैं तो सारा कार्य मुफ्त में कर रही हूँ। जैसे एक उदाहरण के लिए बात बता कि मैंने कहा कि आपके अंदर इतने चक्र है, चलो,
और इन चक्रों के पीठ आपके ब्रेन में है। फौरन उन्होंने एक बड़ी भारी जगह है साइंस की, नोवा शिविर करके, वहां के साइंटिस्ट ने फौरन अपने इस पे चढ़ाया और लोगों से जो सहयोगी था कहे उनसे कहा कि अच्छा तुम हर एक चक्र पे अपना ध्यान दो, मतलब हम लोग ऐसे बंधन देते हैं, बंधन दो। जिस चक्र पे उन्होंने बंधन दिया, जहां मैंने बताया था वहां प्रकाश है। इसलिए जान लेना चाहिए कि अमेरिका में तक डॉक्टर मानने लग गए हैं कि सजो कोई विशेष चीज, और ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने एक कक्ष बनाया है सजो। श्रीमती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया हमारे दर्शकों को सहयोग का प्रदान दें और आत्म साक्षात्कार अगर आप ठीक समझे। हाँ क्यों नहीं, मैंने एक बार हांगकांग में प्रयोग किया था, उससे बहुत लोगों को फायदा हो गया। इसमें तो बहुत लोगों को फायदा होना चाहिए, कई बार इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। कोई अगर कहे कि जबरदस्ती मेरा आत्म साक्षात्कार करो तो नहीं, जो आत्म साक्षात्कार मांग रहे हैं उनको नम्रता से अंदर से ये शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मेरा साक्षात्कार, समझ गए। इसमें कुछ पैसा ऐसा नहीं लगता, इसको आप बेच नहीं सकते कुछ नहीं। पर दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जो अपने को पापी समझे बैठे हैं और आप उपास तपास करें ये सब खत्म करें, ये मैं नहीं मानती कि आप लोग पापी हैं। माँ कभी अपने बच्चों को पापी नहीं मानती, तो ये एक चीज है कि आप अपने को क्षमा करें। और दूसरी चीज है कि आप दूसरों को भी क्षमा करते, क्योंकि आप क्षमा करते हैं नहीं करते हैं, कुछ करते हैं नहीं, सिवाय इससे अपने को सता रहे हैं, दूसरों के हाथों खेल रहे हैं, तो आप दूसरों को भी क्षमा दीजिए, बहुत जरूरी। क्योंकि ये जो आज्ञा का चक्र है ये बिल्कुल इस तरह से सटा हुआ है और इसको खोलना बहुत मुश्किल है। अगर आपने सबको क्षमा कर दी और अपने को क्षमा कर दी तो ये ऐसे खुल जाए। अपने को क्षमा करने से यहाँ का जो चक्र है इसकी वजह से अनजाना और अनेक बीमारियां हो जाती वो ठीक हो जाए। तो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वो इस तरह से हाथ मेरी होती ये कार्य है तो क्षण में हो जाता है। जैसे कि एक बीज को आप पृथ्वी माता के उदर में डालते हैं तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी जाग जाए। अब कोई आपको प्रयत्न नहीं करना है, मंत्र नहीं करना, बिल्कुल शांतिपूर्वक दोनों हाथ में रखें। अब आप अपनी गर्दन झुका लें और लेफ्ट हैंड हमारे ऊपर करें और राइट हैंड आप अपने तालू पर, जो कि एक एकदम सी हड्डी होती है बचपन में, उसके ऊपर आधान पर ऊपर में रखिए, ना कि सर को आप छूइए, और देखिए कि आपके अंदर से कोई यह तालू भाग से जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं कुछ ठंडी ठंडी सी या गर्म हवा आपके तालू से निकल रही है क्या, किसी किसी को दूर तक, किसी किसी को फैलाकर, किसी किसी को नजदीक, इस प्रकार ये शक्ति जो आपके अंदर कुंडलिनी है वो निकल रही। इसका वर्णन कबीर दादी ने बहुत सुंदर आप ये करेगा। अब दोनों हाथ आप मेरी ओर रहे और मेरी ओर देखिए और कोशिश करिए कि निर्विचार हो जाए, क्योंकि पहली स्थिति है निर्विचार समाधि, क्योंकि विचार जो बुद्धि से निकलते हैं वो सीमित है, उससे परे जाना है, उसे उठना है। आप दोनों हाथ सर की तरफ उठा के और सब पीछे करें कि माँ ये परम चैतन्य है क्या, ईसाई हो तो वो पूछे इस इज द कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट और पूछे ये रूह है क्या, और पूछे कि यही परमात्मा की प्रेम की सर्वव्यापी शक्ति है। पूछे सर्वप्रथम आपको महसूस होगी ठंडी ठंडी सी लहर सी चैतन्य की अनुभूति आपको। आप लोग आप पीछे इन लोगों के हाथ में है वो खबर कर रहे हैं, ये आपके लाभ के लिए, इसे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि दुनिया आपके पास इस अध्यात्म को पाने के लिए आए। आपको सबको अनंत आशीर्वाद है, प्रेम के साथ सबको मैंने आशीर्वाद दिया।